ओम क्रीम काल्लई नमो। माँ काली की कृपा सभी को मिले, सभी की मनोकामना पूर्ण हो। प्रभातखबर.com में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर एनके बेरा आप लोग के सामने इस वर्ष की सबसे बड़ा खगोलीय घटना जो 2 अक्टूबर 2024 बुधवार को कंकणाकृत बलय ग्रास सूर्य ग्रहण लग रहा है उसके संदर्भ पर वर्णन कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि यह सूर्य ग्रहण भारतवर्ष में दृश्य नहीं होगा। यह कंकणाकृत सूर्य ग्रहण बलय ग्रास सूर्य ग्रहण रिंग ऑफ फायर के रूप में उत्तरी और दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका तथा यूरोप, पैसिफिक क्षेत्र, आर्कटिक, अटलांटिका में दृश्य होगा तथा कंकणाकृत सूर्य ग्रहण तथा रिंग ऑफ फायर के रूप में प्रशांत क्षेत्र में सबसे बड़े ग्रहण बिंदु पर चंद्रमा सूर्य के केंद्र में 93% हिस्से को कवर कर देगा, जिससे 7 मिनट 25 सेकंड के लिए सूर्य रिंग ऑफ फायर या आग की छल्ले की तरह दिखाई देगा। यह नज़ारा न्यूजीलैंड, फिजी, ब्राजील, मेक्सिको, अमेरिका में दृश्य होगा। यह बनेगा सूर्य ग्रहण रिंग ऑफ फायर के ये नज़ारा साउथ अफ्रीका, अमेरिका, साउथ पैसिफिक में 14 साल बाद दिखेगा, क्योंकि इससे पहले 11 जुलाई 2010 में ऐसा सूर्य ग्रहण दिखाई दिया था। ऐसे तो ये खगोलीय घटना है, लेकिन धर्मशास्त्र के अनुसार और ज्योतिषीय गणना के अनुसार इस ग्रहण का प्रभाव विशेष रूप से पड़ता है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार आश्विन कृष्ण पक्ष की स्नानदान श्राद्धादि की अमावस्या, सर्वपितृ अमावस्या, महालया बुधवार को कंकणा की सूर्य ग्रहण बलय ग्रास सूर्य ग्रहण लग रहा है, जिसका प्रारंभ 2 अक्टूबर 2024 रात को 9:13 में होगा तथा तो जिसका समाप्ति 3 अक्टूबर 2024 बृहस्पतिवार प्रातः 3:17 पर होगा। ग्रहण का स्पर्श रात्रि 9:13 में, बलय ग्रास कंकणाकृत रिंग ऑफ फायर का आरंभ रात को 10:24 में, ग्रहण मध्य रात को 12:15 में, बलय ग्रास की समाप्ति रात को 2:06 पर और ग्रहण मोक्ष अर्थात ग्रहण की समाप्ति रात को 3:17 पर होगा। ये बलय ग्रास कंकणाकृति की स्थिति 3 घंटा 42 मिनट तक होगा। यह सूर्य ग्रहण कन्या राशि हस्त नक्षत्र में लगेगा। ग्रह स्थिति के अनुसार सूर्य के साथ चंद्रमा, बुध और केतु स्थित होंगे। देवगुरु बृहस्पति और ग्रह की सेनापति मंगल की पूर्ण दृष्टि होंगे। शनि कुंभ राशि में, शुक्र तुला राशि में, राहु मीन राशि में होंगे। यह बलय ग्रास सूर्य ग्रहण बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए कि सूर्य रिंग ऑफ फायर आग की छल्ले की तरह सूर्य को काफी लंबे समय तक दिखाई देगा। सूर्य ग्रहण के दौरान सूतक काल 12 घंटे पहले शुरू हो जाता है। हालांकि यह सूर्य ग्रहण भारत में दृश्य नहीं होगा, इसलिए इस ग्रहण का कोई सूतक काल मान्य नहीं होगा, लेकिन ग्रहण जहां दिखाई देगा वहां सूतक मान्य होगा। लेकिन ग्रहण काल के समय कुछ शास्त्रीय नियमों का पालन करना विशेष रूप से आवश्यक है। इस सूर्य ग्रहण के आरंभ के समय तथा मोक्ष अर्थात समाप्ति के बाद स्नान दान की विशेष महत्व है। इस सूर्य ग्रहण के समय आदित्य हृदय सूत्र का पाठ, गायत्री मंत्र का जप, महामृत्युंजय मंत्र का जप, सूर्य मंत्र का जप करने से विशेष शुभ फल की प्राप्ति होती है। सूर्य ग्रहण के बाद दान करने से पितृ दोष से छुटकारा मिलती है तथा विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। घर परिवार में सुख शांति मिलती है। इस वर्ष भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा 8 सितंबर बुधवार को पितृपक्ष के आरंभ के दिन खंडग्रास सूर्य ग्रहण लगाता। बृहद संहिता के अनुसार एक ही महीना के 15 दिनों के अंदर दोनों ग्रहण लगने से देश, दुनिया, जनजीवन पर विशेष असर डालता है। ऐसी स्थिति महाभारत युद्ध के समय
ऐसा अशुभकारी संयोग बना था। इस ग्रहण के प्रभाव से पूरे विश्व में इसका विशेष प्रभाव होगा, जिसमें हर जीव जंतु कीड़े मकोड़े पेड़ पौधे पर भी होगी। प्राकृतिक विपदाएं, भूकंप, तूफान, ओला, हिमपात, प्रचंड गर्मी, जान वाहन दुर्घटना, विभिन्न प्रकार के रोग बीमारी के प्रकोप होने की भी संभावना है। इस ग्रहण के प्रभाव से हमारे देश के राजनीतिक क्षेत्र में भी विशेष उथल पुथल होने की संभावना है। धार्मिक मामलों में असहिष्णुता बढ़ेगी, विभिन्न असामाजिक एवं अपराधी तत्वों के सांठगांठ से देश की अर्थव्यवस्था, सामाजिक एवं राजनीतिक शांति भंग होने की संभावना है। सीमा में अनावश्यक रूप से तनाव, सैनिक गतिविधियों के बढ़ने की भी संभावना है। मौसम की दशा दुष्कर होगी, वायु संचार में वृद्धि होने से रात का तापमान गिरने लगेगा, वर्षों से चला आ रहा है, प्राकृतिक स्थिति में भी परिवर्तन होगी, वर्षा होने का क्रम अचानक रुक जाएगा, समुद्र तटीय प्रदेशों में आंधी और वर्षा वायुवेग के साथ होती रहेगी। भारत के पूर्व के प्रदेशों में तूफानी वर्षा का योग है। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटवर्ती क्षेत्र में तूफान आने की संभावना है। यह सूर्य ग्रहण भारत में दृश्य नहीं होगा, इसलिए इसका कोई सूतक नहीं लगेगा, लेकिन शास्त्रीय मान्यता के अनुसार ग्रहण के समय भोजन सामग्री जैसे दूध, दही, घी इत्यादि में तुलसी पत्र या कुश रख देना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानी रखनी चाहिए। 2-3 अक्टूबर 2024 बुधवार कंकणा के सूर्य ग्रहण के दिन कन्या राशि में सूर्य, बुध, चंद्रमा और केतु कन्या राशि में, देवगुरु बृहस्पति वृष राशि में, ग्रहों के सेनापति मंगल मिथुन राशि में, शनि कुंभ राशि में, शुक्र तुला राशि में, राहु मीन राशि में स्थित होगा। यह प्रलयगा सूर्य ग्रहण कन्या राशि हस्त नक्षत्र में लग रहा है। इसका प्रभाव 12 राशियों पर पड़ेगा, लेकिन इसका विशेष अशुभ प्रभाव मेष, मिथुन, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि वाले जातकों को विशेष संभल कर रहने की जरूरत है। इन राशि वाले जातकों को स्वास्थ्य, रोजगार, कर्म क्षेत्र, ऑफिस तथा आर्थिक क्षेत्र में संभल कर काम करना पड़ेगा, क्योंकि इस क्षेत्र में विपरीत प्रभाव भी पड़ सकता है। अशुभ प्रभाव निवारण के लिए अपने इष्टदेव या भगवान शिव का ध्यान करें, नमः शिवाय मंत्र का जप करें। इसके अलावा वृषभ, मकर, कुंभ, सिंह और कन्या राशि के लिए यह ग्रहण शुभ है। उन सबका विशेषकर गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के समय विशेष सावधानी रखनी चाहिए। ग्रहण काल में भोजन, शयन, मूर्ति स्पर्श, हास्य विनोद का निषेध है। ग्रहण स्पर्श के समय स्नान, ग्रहण मध्य में मंत्र जाप करें, ग्रहण मोक्ष होने पर पुनः स्नान करें तथा यथाशक्ति दान करें। अशुभ प्रभाव निवारण के लिए आदित्य हृदय सूत्र का पाठ, बजरंग बाण तथा महामृत्युंजय मंत्र का जप करें। इस ग्रहण के समय विशेष रूप से कुछ सावधानियां रखने की आवश्यकता है। धर्मशास्त्रीय मान्यता के अनुसार सूर्य ग्रहण के 12 घंटा पहले से ही सूतक काल के दरमियान पूजा पाठ, मूर्ति स्पर्श न करें। घर में पूजा वाले स्थान को पर्दे में ढक दें। सूर्य ग्रहण के दौरान खाना पीना बिल्कुल न करें। खाद्य पदार्थ पर तुलसी के पत्ते डालकर रखें। ग्रहण समाप्ति के बाद पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें। गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के दौरान विशेष सावधानी बरतनी चाहिए, उन्हें घर से बाहर निकलने नहीं चाहिए। प्रभात खबर.com, विश्वास वही रफ्तार नहीं।